फिटनेस वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D सेक्शन बॉक्स और सेलेक्शन बॉक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है, नॉर्मल सा एक सिंपल सा एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। तो इसका मुझे क्या करना है, सेक्शन बॉक्स बनाना है, ठीक है। सेक्शन बॉक्स, और जो सेक्शन बॉक्स रहता है वो हम लोग किसकी हेल्प से बनाते हैं, सेलेक्शन बॉक्स की हेल्प से, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे इसका सेक्शन मतलब बनाना है, मतलब कि ये पूरे प्रोजेक्ट का आपको सेक्शन होते हुए दिखाना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टीज पैलेट में आप लोग यहाँ पे देखेंगे सेक्शन बॉक्स आपको दिया है अलग से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दिया सेक्शन बॉक्स। जैसे इस सेक्शन बॉक्स में मैं क्लिक करता हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्लिक करा, यहाँ पे आपको ब्लू ग्रिप दिख रही है, तो ब्लू ग्रिप की हेल्प से आपको कितना काटना है, तो आप लोग यहाँ पे इसको काट करके दिखा सकते हो। इस टाइप का आप लोगों को दिखाना है तो दिखा सकते हो, और इसको अगर काटना है अच्छे से प्रॉपर काटना है तो एकदम टॉप में आ जाओ, उससे पता चल जाएगा कि मैं कितना काटना चाहता हूँ। सेम टू सेम यहाँ से भी, और सेम टू सेम यहाँ से भी। ये नॉर्मल हमारा हो रहा है सेक्शन बॉक्स, इसमें सेलेक्शन बॉक्स का यूज ही नहीं हुआ है। सेलेक्शन बॉक्स कैसे यूज करना है मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी ये सिंपल दिखा रहा हूं। तो इस टाइप का भी अगर आप लोगों को रेंडर निकालना है तो इस टाइप का भी आप लोग रेंडर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे कार वार सब कुछ कर गया है, ठीक है। अगर आप लोग को नीचे से भी करना है, मतलब ये उठाना है, तो इस टाइप का आप लोग यहाँ पे रेंडर निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोगों को नहीं चाहिए तो वापस से इसको क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे, तो वापस से ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा डायग्राम या फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ओके। अब ये जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेवल वन पे गया, लेवल वन पे मैं जितना चीज़ सेलेक्ट करूँगा मुझे उतने ही चीज़ का मुझे सेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाइड टैब में जाके व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे दिया आपका सेलेक्शन बॉक्स, ठीक है। इसको क्लिक करा मैंने तो देखो वो उस जगह का, मतलब जैसे कि यहाँ पे लेवल वन पे गया मैं, जितना चीज़ मैंने सेलेक्ट किया था उसके नियर बाई जितनी भी चीज़ है उसको थोड़ा थोड़ा लेके वो आपका सेलेक्शन बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे आपको और काटना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे आप लोगों को बस थोड़ा सा ही दिखाना है, यहाँ पे आपको ग्रिप दिया है, ग्रिप को ऐसा करो तो आपका और कट जाएगा। जितना काटना है आप लोग यहाँ से काट के दिखा सकते हो, जितना भी पार्ट का आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लेवल वन पे फिर से गया, मुझे सिर्फ ये टॉयलेट का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, ये वॉल सेलेक्ट नहीं हुई, वॉल को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल दबा के। अब यहाँ पे जाऊँगा मैं व्यू में, मॉडिफाइड टैब में जाने के बाद व्यू में गया, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे दिया सेलेक्शन बॉक्स, क्लिक करा तो देखो ये आपका इस तरीके से काट के दिखा दिया। आप लोगों को लग रहा है नहीं यार ये मैं थोड़ा सा अलग दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं क्या कर दूंगा, ये इस तरीके से काट दूंगा, और काट लेते हैं। तो ये आप लोग इस तरीके से सेक्शन दिखा सकते हो। अगर आप लोग को रैंडम रूम का दिखाना है तो आप लोग सेलेक्शन बॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग रैंडम रूम का यहाँ पे सेक्शन बना सकते हो, ओके दोस्तों। वापस से लेवल वन पे गया या फिर 3D में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेक्शन बॉक्स होगा, सेक्शन बॉक्स चेक होगा तो इसको अनचेक करूँगा तो वापस से ही सारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे इस विंडो का मुझे चाहिए सेक्शन, ठीक है, तो ये विंडो को सेलेक्ट किया और यहाँ पे चली गया व्यू में, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे दिया सेलेक्शन बॉक्स। देखो दोस्तों ये आप लोगों का ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि ये सेलेक्शन बॉक्स का जो आपका बन रहा है, जो बॉक्स बन रहा है, अगर इसको आपको गायब करना है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाएंगे, यहाँ पे एनोटेशन में जाएंगे, एनोटेशन के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको सेक्शन, ये सेक्शन बॉक्स दिया, इसको अनचेक करना पड़ेगा। अप्लाई करोगे तो ये आपका, देखो दोस्तों आपका ये सेक्शन बॉक्स का जो एक्सटेंशन बॉक्स था वो आपका गायब हो गया। अब जैसे इसको मैं चेक करूंगा तो ये आपका यहाँ पे दिखने लगेगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग इसको गायब भी कर सकते हो, अगर नहीं गायब करना है तो वहीं पे आपको विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है।
अब जैसे मुझे इसको थोड़ा सा इसको मैं टॉप कर देता हूँ, ये काट दिया मैंने इसको यहाँ तक, वॉल दिख रही है तो वॉल तक भी काटना पड़ेगा। इसको पहले कर देता हूँ मैं वायर फ्रेम, यहाँ तक इसको काटता हूँ मैं, और ये भी काट देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, कर दिया शेडेड। तो देखो ये आपका इस तरीके से सेक्शन दिखाएगा आपकी विंडो का। ओके, नहीं करना है आपको तो वापस सेक्शन बॉक्स अनचेक करना है, तो वापस से ये पूरा आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जो भी चीज़ का आपको सेक्शन कट करना है, जैसे ये कार का ही करना है मुझे सेक्शन, इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में जाऊँगा, व्यू में जाऊँगा, व्यू में यहाँ पर दिया आपका सेलेक्शन बॉक्स, तो यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो देखो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको इसके बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, अगर आपको काटना है तो इसको एक ग्रिप की हेल्प से आप इसको ऐसे करके काट सकते हो। ठीक है, और इसका रेंडर निकालना है तो वही सेम आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक लेवल में जाना पड़ेगा। लेवल में जाने के बाद आपको यहाँ पे कैमरा लगाना है, ये इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आपका ये इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करा इसको, इसका ग्रिप नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा सिंपल टॉप में आ जाता हूँ, ये ग्रिप दिखा मेरे को, अब वापस से आइसोमेट्रिक। अब यहाँ पे आर टाइप करूँगा और यहाँ से ये रेंडर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अनचेक कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सेक्शन यहाँ पे कट करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी रैंडम चिप्स का करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे व्यू में जाके इसको सिलेक्शन बॉक्स को सेलेक्ट कर लो, नहीं चाहिए तो वापस से आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेक्शन बॉक्स अनचेक करेंगे तो आपका ये वापस से पूरा आ जाएगा। अगर आप लोग को पूरा पूरा एक बार में करना है तो सेक्शन बॉक्स यहाँ से अप्लाई करेंगे, कितना कितना क्या क्या करना है आप लोग को, तो अपने यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको कर देंगे कट, ये ऐसा ये जो मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे अपना सेक्शन कट कर सकते हो। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अगर आप लोगों को रैंडम निकालना है किसी रूम का या फिर किसी भी प्लान का, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया और सेक्शन बॉक्स में जाएंगे तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ये है डिस्टर्ब कर रहे, तो इसको अपन क्या कर देंगे हाइड कर देंगे। ठीक है, तो किसी रूम का दिखाना है या फिर किसी बेडरूम का दिखाना है, कोई भी रूम का एक आपको रैंडम दिखाना है और आपको रेंडर दिखाना है, तो इस तरीके से आप लोग रेंडर कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन बॉक्स की हेल्प से। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैबिट के बारे में और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच।